नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे फार्म में अभी ड्रेंचिंग करने का काम शुरू है, देख सकते हैं इधर ड्रेंचिंग करी जा रही है। तो अभी ये प्लांटेशन वाटरमेलन का प्लांटेशन करने को 6-7 दिन हो चुके हैं। 7वें दिन होने के बाद 8वें दिन हम ड्रेंचिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी ये वाटरमेलन का खेत है अपना, तो आपको मैंने हर एक नेक्स्ट स्टूडियो में मैंने दिखाया था आपको कि प्लाउ चलाने से लेकर तब प्लांटेशन बुआई करने तक आपको और मल्चिंग भी कैसे भी चाहते हैं ट्रैक्टर से, तो आपको इस वीडियो में एक वन बाय 1 वीडियो में दिखाते आ रहा हूँ मैं इतने दिनों से आपको। तो दोस्तों आज बुआई होने को 6-7 दिन हो चुके हैं, तो 8वें दिन को ड्रेंचिंग करने का काम शुरू है। तो इधर देख सकते हो ड्रेंचिंग का हमने टाकी भरी हुई है। तो अभी ड्रेंचिंग कौन से कर रहे हैं और प्लांट कैसे हो चुके हैं 6-7 दिन में, और ड्रेंचिंग करने के बाद 8 दिन में रिजल्ट दिखाऊंगा मैं आपको कि ड्रेंचिंग का रिजल्ट कैसा आता है। तो दोस्तों आप ड्रेंचिंग कौन से कर रहे हैं, चलो मैं अभी दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों ये अपना पूरा खेत है, अभी प्लांटेशन करने को 7 दिन हो चुके हैं। तो अभी दोस्तों हमने ये 2 लीटर टैंक के अंदर पानी भरे हुआ है, और इसके अभी इसमें से पानी लेके बकेट से और ये चार्जिंग पंप में लिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी इधर हमने ड्रेंचिंग के लिए देख सकते हो ये बुरचीनाशक ली हुई है, मुझे बाविस्टीन ली हुई है, देख सकते हो बाविस्टीन है वो, तो बाविस्टीन ली हुई है, और उसके साथ हमने हेमिक एसिड और खाद लिया हुआ है 19-19 खाद, देख सकती है ये बैग के हमने घर से गोनी में फोड़ के और इसके अंदर लाई हुई है खाद 19-19 खाद है, और उसके साथ हेमिक ले भी है, हेमिक और अपने बुरशीनाशक ले भी, मुझे बुरशीनाशक ले बाविस्टीन ले भी, बुरशीनाशक बाविस्टीन है और 19-19 खाद है और हेमिक एसिड है। तो हेमिक एसिड कौन सा भी ले सकते हैं आप, और 19-19 खाद कौन सी भी ले सकते हैं। तो अभी इधर और बुरशीनाशक अपने को जो बाविस्टीन आती है। तो दोस्तों अभी हमने बाविस्टीन ली थी बुरशीनाशक, वो तो अभी खत्म हो चुकी है, और ये नई बुरशीनाशक ली हुई हमने देख सकते हो। तो अभी ये थियोफेनेट मिथिल 70% WP है, देख सकते हो अंतरप्रवाही बुरशीनाशक है। तो ये बड्डी करके लिए भी हमने अंतरप्रवाही करके थियोफेनेट मिथिल 70% वाली बुरशीनाशक है, मुझे अलग आती है स्पेशल ड्रिंकिंग के लिए आती है। तो दोस्तों अभी इसमें हमने तीनों एक मिक्स करे हुए, तीनों 19-19 खाद उसके साथ हेमिक एसिड, और हम बुरशीनाशक लिए भी बाविस्टीन ले सकते हैं, ये हमने थेमोथेन WP 70% WP ली हुई है बड्डी करके। तो अभी इसमें अच्छे से घोल के अभी इसमें से हेमिक एसिड मैंने 400 ग्राम लिया है, 19-19 खाद 2 किलो और बुरशीनाशक आधा किलो, इसमें 10 टाकी का एकदम मिक्स करके 10 टाकी मिक्स करके बकेट के अंदर ये गलास से ले हुए, देख सकते हैं ये गलास इसके अंदर। तो एक 16 लीटर पानी में अपने को एक गलास भर के डालना है, लगभग 500-400 या 500 ml एक टाकी के अंदर डालना है, 400 या 500 ml एक टाकी में डालना है 16 लीटर टाकी, देख सकते हो पिच करके हम। तो अभी ड्रिंकिंग करेंगे, तो अभी इसके हमने पानी और ये खाद की मुझे हेमिक एसिड और खाद की मिक्स करके उसमें डालने के बाद ये भी ड्रिंकिंग कर सकते। तो दोस्तों अभी अपना खेत है पूरा, तो ये देख सकते हो अभी 7 दिन हो चुके हैं प्लांटेशन करने को। तो देख सकते हो 7 दिनों के बाद कितना जबरदस्त अपने को ये जबरदस्त हो चुके झाड़, 7 दिन के झाड़ हो चुके ये। तो दोस्तों देख सकते हो अभी 7 दिन हो चुके हैं, आज का 8वां दिन शुरू हो चुका है। तो अभी ड्रेंचिंग करने का काम शुरू है, तो देख सकते हो ये ड्रेंचिंग करी जा रही है। तो प्लांट कैसे हमारे कमेंट में ज़रूर बताना, 7 दिन के प्लांट हो चुके हैं बुआई करने तक, अभी तक बुआई से लेके अभी तक 7 दिन हो चुके हैं इसको। तो ऐसे हमने ये 2 लीटर टैंक भरी हुई, उसमें से बकेट से पानी ले लेके और ऐसे चार्जिंग पंप में भर के और ड्रेंचिंग कर रहे। तो अपना खाद का सिस्टम है पूरा मैंने दिखा आपको। तो दोस्तों एक एक झाड़ को एक एक प्लांट को अपने अटरबुज का प्लांट है उसको 200-250 ml ऐसा ड्रेंचिंग करने का काम शुरू है। तो देख सकते हो ऐसी ड्रेंचिंग करी जा रही है, ये देख सकते हो चार्जिंग पंप से ऐसे और इससे चालू बंद करा जाता है, देख सकते हो ऐसी ड्रेंचिंग कर रहे, ये देख सकते हैं लगभग 200-250 ml ऐसे ड्रिंचिंग कर रहे हैं, लगभग एक एक प्लांट को 200-250 ml की ड्रिंचिंग करी जा रही है। तो दोस्तों हमने अभी ड्रिंचिंग करते करते अपने ये खेत तक आ चुके आए, और अपना ये खेत अभी इतना सारा खेत अभी बाकी है थोड़ा सा, तो अभी ऐसे ड्रिंचिंग करने का काम शुरू है, ये ऐसे ड्रिंचिंग करी जा रही है। तो दोस्तों आपके इधर फार्म में कौन से भी फसल को ड्रिंचिंग कौन सी करते हैं, वाटरमेलन हो या टमाटर हो या ककड़ी हो, तो कौन से प्लांट को आप कौन से खाद की और हेमिक की ड्रिंचिंग करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारा प्लांट कैसा है, 7 दिनों का हो चुका है, 6 से 7 दिनों का हो चुका है प्लांटेशन बुआई करने को, तो अभी 7 दिनों में ऐसे हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा इसका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त आता है करके, और ये अभी आज तो ड्रिंचिंग कर रहा है, इसके 6-7 दिन के बाद मैं रिजल्ट दिखाऊंगा आपको कि कैसा आता है करके, मुझे ये रिजल्ट एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, ये ऐसे ड्रिंचिंग करने का काम शुरू है। तो दोस्तों आपने हेमिक को बताया मैंने, हेमिक से क्या होता है अपनी जो प्लांट से प्लांट की मूली अच्छी जल्दी से ग्रोथ होती है, और 19-19 खाद से क्या होता है अपनी झाड़ की क्वालिटी अच्छी होती है, झाड़ की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और हेमिक से मूली जल्दी ज़मीन में जाती है जल्दी से जल्दी, और झाड़ की एकदम झाड़ की हाइट भी बढ़ती है और झाड़ की ग्रोथ भी होती है उससे। और आपने जो बुरशीनाशक ले हुई है बाविस्टीन ले हुई है, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि आपने झाड़ के पास जो बुरशी रहती है जो अपने जमीन के अंदर की बुरशी होती है उससे क्या होता है झाड़ अपना जो झाड़ होता है वो सूखता है, उससे झाड़ की मर होती है, झाड़ सूख सकता है। तो झाड़ के ऐसे जो झाड़ के बाद जो लगभग मैं दिखाता हूँ आपको,
अब ये झाड़ इस ये झाड़ के पास क्या होता है, तो जमीन के अंदर की बुरसी ऐसे इसको खा जाती है, मुझे एकदम बुरसी लगती है अखोड़ के पास, इससे खराब हो सकता है झाड़, जिसके अपने को बुरसीनाशक लेना बहुत जरूरी होता है तरबूज के प्लांट को। तो अपनी जमीन की बुरसी उसको खाती है, मुझे एकदम खराब होती है जमीन की बुरसी से वो झाड़ मर सकता है, खराब हो सकता है। तो अब इसके साथ हमने बाव स्टेन भी ले सकते हैं आप दोस्तों, और मैंने दिखाई वो भी ले सकते हैं। तो अभी ऐसे बुरसीनाशक उसका स्प्रे शुरू है। तो दोस्तों आपको हमारे प्लांट के वाटरमेलन का प्लांट कैसा लगा, 6-7 दिनों का प्लांट हो चुका है बुआई करने को, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा ये प्लांट की कि रिजल्ट के साथ एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट है इसके, क्योंकि मैं 5-6 साल से यही ड्रिंचिंग कर रहा हूँ अपने प्लांट को, खेत को अपने पूरे वाटरमेलन खेत को या टमाटर की फसल आई ये ड्रिंचिंग करते आ रहा हूँ मैं अभी 5-6 साल। दोस्तों हमारा आपको खेत कैसा लगा और वाटरमेलन का प्लांट कैसे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों मैं आपको 5-6 दिन के बाद एक नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा अपना कि इसका रिजल्ट के साथ आए करके और अपना प्लांट कितनी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों आपको हमारी ड्रिंचिंग कैसी लगी, हेमिक एसिड और बुरसीनाशक और 1919 खाद की ड्रिंचिंग कर रहे। तो दोस्तों हमारा ये टर्बूज की खेती कैसे लगा आपको, पूरा खेत 2.5 एकड़ का खेत है और प्लांट कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।